हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ, यानी एनपीओ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करता है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एनपीओ का मतलब क्या होता है। एनपीओ का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। एक्चुअली दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एक होती है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरी होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है उनका मेन मोटिव, मेन पर्पस ही प्रॉफिट अर्न करना होता है। जैसे 11th क्लास में सीखा था आपने सोल प्रोप्राइटरशिप, उसका मेन मोटिव क्या था? प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन एनपीओ का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, ये एग्जिस्ट करते हैं सोशल वेलफेयर के लिए, समाज सेवा के लिए। जैसे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ट्रस्ट, ये सब क्या है? ये सब एनजीओज हैं। मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे शायद आपने नाम सुना हो रिलायंस फाउंडेशन, ये किसका एनजीओ है? ये अंबानी फैमिली का एनजीओ है। दूसरा बींग ह्यूमन, ये कौन एनजीओ रन करता है? सलमान खान रन करता है। खान अकेडमी, ये बच्चों को क्या कराते हैं? फ्री में मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तिरुपति बालाजी, ये एक मंदिर है जहां पर लोग करोड़ों रुपए का डोनेशन देते हैं। स्माइल फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट, बड़े सारे एनजीओज हैं। अब हर एनजीओ अलग अलग एरिया में काम कर रहा है। कोई एजुकेशनल को प्रमोट करने के लिए काम कर रहा है, कोई हेल्थ केयर सर्विस को प्रमोट करने के लिए काम कर रहा है, यानी आप ले सकते हैं एग्जांपल कोई हमें कोरोना से सेव करने के लिए काम कर रहा है। कोई एनजीओ ऐसे हैं जो सेव टाइगर के लिए काम कर रहे हैं, कई एनजीओ ऐसे हैं जो पानी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, सेव वाटर के लिए काम कर रहे हैं। हर एनजीओ का अलग अलग पर्पस है। तो हमें बेसिकली इस चैप्टर में सीखना है कि ये एनजीओ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, इनके पास भी तो काफ़ी पैसा आता है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले एनपीओ का मतलब क्या होता है। मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू सर्व द सोसाइटी एंड इट्स मेंबर्स, सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विस टू पब्लिक एंड इट्स मेंबर, नॉट विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। Examples: school, hospitals, literary societies, arts and culture societies for promotion of sports, social welfare organization, clubs. ये सारे क्या हैं? NGOs हैं, जो government schools होते हैं, government hospitals होते हैं। इनका main motive profit earn करना नहीं होता। अब इनके पास जो main revenue आता है, main पैसा आता है, वो कहाँ से आता है? आप खुद ही सोच के बताइए, NPO के पास पैसा आता होगा तो कहाँ से पैसा आता होगा? इनके पास पैसा आता है डोनेशन। लोग आते हैं मंदिर के अंदर, या आप जाते हैं कहीं पर गुरुद्वारा में, तो वहां पर आप क्या करते हैं? डोनेशन देते हैं, चंदा देते हैं, तो काफी पैसा आता है एनपीओ के पास। मेंबरशिप फीस या एंट्रेंस फीस, अगर आप किसी एनपीओ का मेंबर बनते हैं, आप कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, गवर्नमेंट लाइब्रेरी, वहां पर आपको एंट्रेंस फीस देनी पड़ती है। हालांकि अमाउंट बहुत ही नॉमिनल सा होता है, छोटा सा होता है, लेकिन फिर भी आपको पे करना पड़ता है। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जो मंथली बेसिस पे मेंबर से पैसा लिया जाता है, उसे हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। जैसे आप नेटफ्लिक्स का पैकेज सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हर महीने सब्सक्रिप्शन देनी पड़ती है। अमेजॉन प्राइम सब्सक्राइब करते हैं, हालांकि वो तो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, लेकिन एनपीओ वो भी कुछ सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं, छोटा मोटा अमाउंट, 50 रुपये, 100 रुपये, कुछ इस तरीके से। लोन्स, एनपीओ के पास और कहां से पैसा आता है? अगर उन्हें जरूरत पड़ती है तो वो लोन भी लेते हैं बैंक से। ग्रांट्स, गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करती है, अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको ग्रांट देती है। गवर्नमेंट ने आपको मान लो 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए ग्रांट दे दिया कि आप इससे लोगों का क्या करो, सोशल वेलफेयर करो, तो ये उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि एनपीओ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाता है। तो बेसिकली अपनी एनपीओ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 3 चीज़ें प्रिपेयर करता है। सबसे पहला क्या? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। ये 3 चीज़ें बनाते हैं एनपीओ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। हम एक एक करके तीनों के बारे में समझेंगे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, क्या होता है ये, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में समझेंगे इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरी तरीके से एनपीओ के बेसिक्स बता दिए कि एनपीओ आखिर होता क्या है और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये कैसे प्रिपेयर करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।